गुड मॉर्निंग वंस अगेन क्लास। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था चैप्टर 8 मेरा कंटिन्यू हो रहा है, चल रहा है। इसमें जो है आपका मीनिंग बायोमेट्रिक्स, वो सॉरी बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, और जो है उसमें मीनिंग ऑफ बायोमैकेनिक्स, इसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स, उसके बाद अब मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। देर आर फोर टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अब ये क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, और इसके थ्रू आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे सुधार सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ाया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स में का समझना इससे पहले ज़रूरी है। तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट क्या होते हैं? सबसे पहला टाइप्स ऑफ मूवमेंट आता है आपका फ्लेक्शन। फ्लेक्शन फ्लेक्शन माने किसी भी चीज़ को मोड़ना या जोड़ना, मोड़ना किसी भी चीज़ को। तो उसके बाद आता है, इसको अगर डेफिनेशन देखी जाए तो डिक्रीजिंग द इनर एंगल ऑफ द जॉइंट। हमारी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स होते हैं, डिक्रीजिंग द इनर एंगल, उसका जो एंगल होता है, हमारे जितने भी जॉइंट्स होते हैं हर जॉइंट्स का एंगल होता है, हमारे मूवमेंट्स जितने भी होते हैं हर एंगल से मूवमेंट करते हैं, लेकिन उसके मूवमेंट्स को डिक्रीज करना जो है वो फ्लेक्शन कहलाता है। सपोज दैट हमारे जो गर्दन है उसका जो जॉइंट है गर्दन का, उसको अगर हम फॉरवर्ड बेंड करेंगे तो ये हमारा जो जॉइंट का मूवमेंट एंगल है वो डिक्रीज हो रहा है, ये आपका कहलाएगा फ्लेक्शन। ठीक है, इसके बाद आता है नंबर टू एक्सटेंशन। एक्सटेंशन इसका जस्ट अपोजिट है या रिवर्स कह लीजिए, इंक्रीजिंग द एंगल एंड रिवर्स मूवमेंट ऑफ फ्लेक्शन। रिवर्स मूवमेंट ऑफ फ्लेक्शन एंड इंक्रीजिंग द, पहले डिक्रीज हो रहा था जॉइंट का एंगल, अब जो है जॉइंट का एंगल इंक्रीज हो रहा है। सपोज दैट फॉरवर्ड बेंड मैं करता हूं तो मेरे जॉइंट का एंगल डिक्रीज हो रहा है, और ऐसे ही अगर मैं पीछे स्ट्रेच करता हूं एज मच एज पॉसिबल तो ये मेरा एक्सटेंशन कहलाएगा। तो एक्सटेंशन जस्ट रिवर्स टू द फ्लेक्शन। तो मैंने आपको बताया एक्सटेंशन और फ्लेक्शन के बारे में। इसी तरीके से आपको अगर साइड वेज से देखें तो फॉरवर्ड बेंड जो होता है, अगर हम फॉरवर्ड बेंड करेंगे पूरी बॉडी को स्टैंडिंग पोजीशन में अपने टोज को टच करने की कोशिश करेंगे विदाउट बेंड योर नीज, तो ये आपका फ्लेक्शन कहलाएगा। और ऐसे ही अपनी कमर पर हाथ रख के बॉडी को स्ट्रेच करेंगे इस तरीके से ऊपर की तरफ जाते हुए, तो ये आपका एक्सटेंशन कहलाएगा। तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मैंने आपको बताया। नंबर थ्री आता है आपका एबडक्शंस। एबडक्शंस क्या है? अवे मूवमेंट ऑफ द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। अवे मूवमेंट यानी अवे माने दूर जाना, मिड लाइन ऑफ द बॉडी यानी हमारी बॉडी का जो जॉइंट्स हैं, चाहे शोल्डर जॉइंट हो चाहे ट्रंक जॉइंट हो, उससे अवे जाना, दूर जाना जो होता है वो कहलाता है एबडक्शन। सपोज दैट मेरे ये शोल्डर जॉइंट्स है, इसकी मिड लाइन ऑफ बॉडी, अगर मैं इसको हाथों को अपने ऐसे स्ट्रेच करता हूं तो ये कहलाएगा मेरा एबडक्शन। ठीक है, सपोज दैट फॉर एग्जांपल राइट आर्म टू राइट साइड एंड लेफ्ट आर्म टू लेफ्ट साइड इज कॉल्ड एबडक्शन मूवमेंट। और इसी के ही रिवर्स में अगर देखा जाए, इसी का रिवर्स होता है एडक्शन। एडक्शन मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट टूवर्ड्स द बॉडी मिड लाइन। पहले अवे था, अब टूवर्ड्स द मिड लाइन। तो टूवर्ड्स द मिड लाइन जो हमारा मूवमेंट होता है बॉडी का वो कहलाता है आपका एडक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये तो मेरा एबडक्शन हो गया। अब इसी मूवमेंट को अगर मैं अपने हाथ को सामने लाता हूं और एज मच एज पॉसिबल अपनी टूवर्ड्स द मिड लाइन, अपने जॉइंट्स की मिड लाइन पर लेकर आता हूं, तो ये हमारा एडक्शन मूवमेंट्स कहलाता है। तो ये सिर्फ चार मूवमेंट्स हैं जो आपको तैयार करने फिलहाल अभी इसके बारे में। अगर आप और डीपली जाते हैं गेम्स एंड फिजिकल एजुकेशन में तो ये हर एक का डिग्री होती है, उसमें कितने डिग्री एंगल तक आपका कौन सा बॉडी मूवमेंट्स हो सकता है। तो इतनी डिग्रीज आपको ना ज़्यादा डिग्री नहीं जाना, बस इनके नाम और ये क्या होते हैं, इसकी मीनिंग क्या है, ये आपको याद रखनी। तो आपका जो मैंने आज जो क्लास ली है उस क्लास में आपका चैप्टर 8 में बायो मैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, मीनिंग ऑफ बायोमैकेनिक्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स, और आपका इस वीडियो में मैंने आपका जो कंटिन्यू किया वो किया टाइप्स ऑफ मूवमेंट, फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शंस एंड एडक्शंस, ये सारी चीज़ें। मैं इसके आपको नोट्स भी शेयर करूंगा। आप लोग प्रैक्टिकल की कॉपी तैयार करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका नेक्स्ट मंथ से आपके प्रैक्टिकल्स के लिए आपको कॉल किया जाने लगेगा और आपको बुलाया जाएगा, आपसे प्रैक्टिकल भी कंडक्ट कराया बताया जाएगा।
आपको कैसे बना बता चुका हूँ वैसे मैं आपको, और आपकी प्रैक्टिकल कॉपी भी चेक की जाएगी। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, क्योंकि बोर्ड का आपको एग्जाम देना है। जितनी आप मेहनत अभी कर लेंगे उतना ही आपको इसमें आगे जो एग्जामिनर, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो में एग्जामिनर आते हैं, इसी तरीके से हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में भी आपके इस गेम में भी इस सब्जेक्ट में भी आपके एग्जामिनर आएंगे। वो आपसे सारी एक्टिविटीज कराएंगे, वो आपका जो आप फिजिकल एक्टिविटीज तो इतनी ना शायद आपसे करवाई जाए, लेकिन थोड़ी थोड़ी स्किल्स जो हैं उसकी, पर्टिकुलर गेम की स्किल क्या होती है और आपकी ब्रॉड जंप क्या है, पुशअप्स क्या है, जो मैंने आपको पहले पिछले क्लासेस में बताया है, करवाया भी है प्रैक्टिकल दौरान, उससे थोड़ा एडवांस होगा। और वो आपकी प्रैक्टिकल फाइल देखेंगे कि आपने कितनी तैयारी की है घर पे बैठकर, और किस तरीके से आप कर सकते हैं, कितने उनके क्वेश्चन आंसर जो आपसे पुटअप करेंगे वो उसके आपको आंसर दें। आपके 30 मार्क्स जो एग्जामिनर बाहर से आएगा उसके हाथ में होंगे, ना कि हमारे हाथ में। तो इतना ध्यान रखिएगा कि आप अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो इसमें आपके अच्छे मार्क्स, अच्छा स्कोरिंग हो सकती है। कोई भी प्रॉब्लम हो, फिर भी कोई दिक्कत हो, तो आप मुझको मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में आपको, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपको लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ मैं आपको पढ़ाऊंगा, और वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो क्यों है, उनकी गेम्स एंड स्पोर्ट्स में क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें मैं आपको कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, फिलहाल आपकी इस चैप्टर की इस टॉपिक्स में इतना ही। आप तब तक आप इसके तैयार करें, अच्छे से तैयार करें, इसके क्वेश्चन आंसर जो है, जब ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा तो मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर दूंगा। क्वेश्चन आंसर में आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि जो आपको अगर शॉर्ट नोट में आंसर है 3 नंबर का है, 2 नंबर का है, तो शॉर्ट नोट में लिखना है, लेकिन जो क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है तो उसको आपको एक्सप्लेन करके लिखना है, मोर देन 150 वर्ड्स। अगर आपने उसको कम में लिखा तो आपको मार्क्स भी कम मिलेंगे, क्योंकि बायो वो फिजिकल एजुकेशन की कॉपी जो है वो आपकी कोई हमारे हाथ में चेक करना नहीं होगी, वो एग्जामिनर ही चेक करेगा, और आपको उसमें अच्छे स्कोरिंग करनी है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखना भी होगा। ठीक है, थैंक यू।